हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर वो देखेंगे। वो चैप्टर पे बढ़ने से पहले आज हम एक फैक्ट की बात जानते हैं। एक नया कलर, नया कलर शायद तुमने पहले भी सुना हो तो तुम्हारे लिए नया नहीं होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए है। क्या कभी तुमने आइजन ग्रे एक कलर का नाम है, जैसे रेड, येलो, पिंक, ठीक है, ये तो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स हो गए। अच्छा, तुमने वो भी सुना होगा, ऐसे भी कलर्स आते हैं, क्रिम्सन रेड, है ना, क्रिम्सन रेड, ठीक है, फिर सी ग्रीन, ऐसे भी कलर आते हैं, पीच, ठीक है, ये सब कलर आते हैं, लेकिन कभी आइजन ग्रे कलर सुना है? सोच रहे होंगे कि कौन सा कलर मैंने लिख दिया, ठीक है। ये कलर तुम सोच रहे हो कि कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, लेकिन मैं बेट लगाती तुमने ये देखा है, हर किसी ने ये कलर देखा है, ठीक है, हर किसी ने ये कलर देखा है। ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं बताती हूँ कि एक ऐसी कंडीशन तुम्हारे साथ होगी, कभी ना कभी तो तुम कंप्लीट डार्क रूम में बैठे होंगे या वहां एक्सपीरियंस किया होगा वो, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन जहां तुम अपने कंप्लीट डार्क रूम में बैठे हो, या मान लो रात को सोने जैसे ही तुम गए और तुरंत लाइट चली गई, तो वो रूम जो होगा वो कंप्लीटली डार्क, वैसे ही रात है, ऊपर से लाइट चली गई तो जो छोटा मोटा लैंप भी चालू था वो भी बंद, तो यानी कंप्लीट डार्कनेस हो गया, ठीक है। वो कंप्लीट डार्कनेस में जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तो आंखें बंद करके तुम कौन सा कलर देखते हो? जब तुम अपनी आंखें बंद रखते हो तो तुम्हें कौन सा कलर दिखाई देता है? कब कब आंखें बंद करके कौन सा कलर दिखाई देता है? जब तुम कंप्लीट डार्क रूम में बैठे हो, ठीक है, तो जब वो कलर दिखता है, दैट इज नथिंग बट दिस, दैट इज नॉट ब्लैक, दैट इज नॉट ग्रे, बट इट इज अ डार्क ग्रे कलर विच इज नोन एज आइजन ग्रे, ठीक है। आइजन ग्रे कलर है, ठीक है, जो कब देखने को मिलता है? जब तुम एक कंप्लीट डार्क रूम में या कहीं पे भी ऐसी जगह जहां कंप्लीट डार्कनेस हो, ओके, एंड व्हेन यू क्लोज योर आईज, ठीक है, यू वुड बी एबल टू ऑब्जर्व दैट कलर, ठीक है, वो जो कलर है वो आइजन ग्रे। तो इसी अच्छी बात के साथ आज हम शुरू करते हैं, ठीक है, अच्छी बात कह लो, अमेजिंग फैक्ट कह लो, ठीक है, कुछ नया कलर जानने को मिला, ठीक है, मजेंटा कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ये तो पता है, साइंस का कलर देखो, इट इज सो कलरफुल, है ना, कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास 9th का, ऑब्वियसली साइंस का, ठीक है, क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस, ठीक है, जो हमारे आसपास मैटर है क्या वो प्योर है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये देखना है हमें, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है ये कौन सी ब्रांच है साइंस की? केमिस्ट्री, यस, केमिस्ट्री ब्रांच का ये एक चैप्टर है, इट इज वन ऑफ द चैप्टर और टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस मैटर, अरे रे, मैटर का तो चैप्टर 1 भी पढ़ के आए, क्या था चैप्टर 1? मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना, तो वो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो अगर हम बात करें मैटर की, मैटर क्या है, पढ़ के आए हो तो बताओ, ठीक है, मैटर क्या है? एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो एनीथिंग कुछ
भी हो सकते हैं, जो भी लिविंग नॉन लिविंग मैटर हमारे मटेरियल, ठीक है, क्योंकि मैटर को तो डिफाइन कर, लिविंग नॉन लिविंग जो भी हमारे आसपास है, जिनके पास कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हम मैटर की कैटेगरी में डालेंगे कि भाई ये चीज मैटर है, आप मैं, ठीक है, मोबाइल, बुक, ठीक है, जो भी मार्कर, बोर्ड, जो भी हमारे आसपास है, इधर भी लिविंग और नॉन लिविंग, दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मैटर. तो जो हमारे आसपास मैटर है, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे मैटर के बारे में, कि जो भी हमारे आसपास मैटर है, द थिंग्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, दैट इज मैटर, एंड इज दिस मैटर प्योर. अच्छा, तो अब तुम बोलोगे प्योर, तो प्योर से तुम क्या समझते हो, प्योर से तुम क्या समझते हो? टेक्स्ट बुक कहती है, ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि फॉर कॉमन पर्सन प्योरिटी, कॉमन पर्सन ज्यादातर कहां देखता है, प्योरिटी, तो ज्यादातर कॉमन पर्सन प्योरिटी जो देखेगा ना, वो देखेगा कंज्यूमेबल आइटम्स, यानी फूड जो भी खाता है वो उसकी प्योरिटी देखते हैं हम. मान लो कि हम ले लेते हैं घी, हम ले लेते हैं बटर, और एल्स वी टॉक अबाउट मिल्क, ठीक है, एनीथिंग स्पाइसेस, एनीथिंग विच इज कंज्यूमेबल. ये सारी चीजों में मिलावटी तो नहीं है, नो एडल्टरेशन. सो फॉर कॉमन पर्सन प्योरिटी मीन्स नो एडल्टरेशन, मिलावटी नहीं होना चाहिए. फिर चाहे तुम कंज्यूमेबल आइटम्स की बात करो या क्लोथ्स की, मटेरियल की बात करो. जब तुम कॉटन लेने जाते हो तो बोलेंगे मैम आपको प्योर कॉटन मिलेगा, मतलब उसमें कुछ और मटेरियल, क्लोथ का मटेरियल, मान लो कि सिल्क या जो भी अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, नाइलॉन, उसमें मिक्स नहीं किया है, सिर्फ कॉटन ही मिलेगा. ऐसा क्लॉथ देखने जाते होंगे तो बोलते होंगे, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर तुम्हें कोई कॉटन का ही क्लॉथ चाहिए तो वो बोलेंगे कि प्योर कॉटन ही होना चाहिए, ठीक है. या कभी वो सेल करेंगे कोई शॉप की वजह, बोलेंगे मैम इसमें प्योर कॉटन से बना है, ऐसे. सो दैट इज प्योरिटी. मतलब क्या, फॉर कॉमन पर्सन प्योरिटी इज नो अडल्टरेशन, मिलावटी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो अडल्टरेशन, ओके. बट Is this pure term, ठीक है, is this definition no adulteration for purity remains same for scientists also? Then you should be thinking, and the answer should be obviously not. For scientists के लिए pure का मतलब क्या? तो scientist बोलता है कि a pure substance consists of, साइंटिस्ट क्या कहता है, अ प्योर सब्सटेंस. उसके लिए प्योर सब्सटेंस क्या है, लेट अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह का पार्टिकल से बना सब्सटेंस को मैं प्योर कहूंगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वॉटर H2O से ही बना है ना कंप्लीटली. अभी इसी जगह अगर मैं सॉल्ट वॉटर लेती, सो सॉल्ट वॉटर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. क्यों? तो इसमें क्या आपको सेम तरीके के पार्टिकल्स दिखेंगे? नहीं, आपको NaCl मिलेगा, आपको H2O मिलेगा, यानी आपको दो वो मिलेंगे पार्टिकल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये दो पार्टिकल्स के अलावा और भी तो चीजें हैं, ठीक है. टैप वाटर में बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो इस सॉल्ट वाटर को इम्प्योर कर रहे हैं. भले वो हमारे लिए हार्म नहीं करेंगे, बट देयर माइट बी गुड और बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है. तो अगर एक सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है, then we would be including that in pure substance. तो pure substance clear होना चाहिए, ठीक है. तो I hope कि इस chapter में पहले chapter का heading समझ आया कि matter जो है वो pure कैसे देखेंगे, कि भाई वो single type of particle से ही बना है matter,
ऐसा हमें जानना है इस चैप्टर में। तो यही देखेंगे, मिक्सचर्स देखेंगे, मिक्सचर्स क्या होते हैं जो मैटर का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के साथ अब मैं कंटेंट्स, पहले हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है कंटेंट्स, वो कंटेंट्स देखते हैं। ठीक है, चैप्टर का हेडिंग आई होप क्लियर हो गया। तो अगर कंटेंट्स देखते हैं वन बाय वन, तो पहला कंटेंट आता है, वो मैं पहला लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूंगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या मैं बता रही हूँ कि अभी मैटर को थोड़ा सा और डिटेल में उसका फ्लो चार्ट देखेंगे, है ना, कि मैटर का डिवीजन कैसे होता है दैट। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ कंटेंट्स की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कंटेंट्स की, तो कंटेंट्स में सबसे पहले क्या लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ इंट्रोडक्शन। मतलब क्या, इंट्रोडक्शन में किसका दूंगी, तो मैटर का दूंगी। मैटर को मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ आगे, उसकी बात करूंगी। ठीक है, इसका छोटा सा फ्लो चार्ट देखेंगे मैटर का, मैटर को कैसे हम डिवाइड करें। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, जो मैटर का ही पार्ट है, तो व्हाट इज मिक्सचर वो हम देखेंगे। ठीक है, देन थर्ड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे, दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो वो इस टॉपिक में देखेंगे क्या है, पहले तो मिक्सचर जानेंगे फिर ही टाइप समझ आएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो आता है दैट इज व्हाट इज सस्पेंशन। अब क्या है कि मैटर को हमने किसमें डिवाइड किया, होमोजेनियस और हेटरोजेनियस। ठीक है, तो हाँ, सस्पेंशन से पहले हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन से पहले हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। फिर आता है व्हाट इज सस्पेंशन। ओके, तो पहले सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन भी मिक्सचर का पार्ट है, सॉल्यूशन भी मिक्सचर का पार्ट है। सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यहां तक का नहीं है, इससे थोड़ा डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्यूशंस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है वो देखेंगे विथ एग्जांपल्स। इसी तरह सस्पेंशन दूसरे तरीके का सॉल्यूशन है विच इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, वो अलग टाइप ऑफ मिक्सचर है, जैसे सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बट सस्पेंशन इज अ हेटरोजेनियस मिक्सचर, बस अभी आगे पढ़ेंगे आज ही। ठीक है, तो इस सस्पेंशन की भी प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सिमिलरली एक और है, व्हाट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन देखेंगे तो उसकी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे दैट इज टिंडल इफेक्ट। ये इफेक्ट सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन ही देता है, तो ऐसा क्यों, तो कुछ ऐसी इसके पास कोलाइडल सॉल्यूशन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टीज होगी जिसके वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके वजह से इसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के पास नहीं है, तभी दीज बोथ आर नॉट एबल टू शो टिंडल इफेक्ट। बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन वी आर एबल टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट। व्हाई, सो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में ही फिर हम पढ़ने वाले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी प्रॉपर्टीज। जब हम ये ट्रू सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो देखेंगे। ठीक है, अब और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अब तक क्या मैंने बोला कंटेंट्स में, सबसे पहले मैं मिक्सचर से स्टार्ट करूं, इंट्रोडक्शन में मैटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मिक्सचर मेन यहां से मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर क्या होता है वो जानेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे। ठीक है, और उसी टाइप्स के बेसिस पे हम तीन तरह के सॉल्यूशन पाएंगे, जिसमें से पहला है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में
हम उसके बाद जब ट्रू सॉल्यूशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत बेसिक लेवल पे देखेंगे। वो चेक करने के बाद कि कैसे कंसंट्रेशन चेक करना है, कंसंट्रेशन क्या होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बेसिस पे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सस्पेंशन देखेंगे, विच इज अनदर काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसी में क्यों टिंडल इफेक्ट दिखता है वो देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है नेक्स्ट जो कंटेंट में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें देखेंगे, दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कहां से, तो फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर में से, जो मिक्सचर मतलब जो कंपोनेंट से जोड़ के मिक्सचर बना है, वो मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उनको वापस मुझे सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देकर इन्होंने समझाया, तो वो देखते हैं। ये जरा मैं रख कर देती हूँ, अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी ये बोर्ड रख कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक में तुम क्या पढ़ोगे वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट से वो खिचड़ी, वो मिक्सचर बना है, ठीक है। ठीक है, दाल चावल, ठीक है, कुछ स्पाइसेस से, ठीक है, थोड़ा सा घी, ऑब्वियसली उससे खिचड़ी बनेगी, है ना। तो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, दाल इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट खिचड़ी, है ना, दैट इज मिक्सचर। तो कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करूंगी मिक्सचर से, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के साथ इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो अब यहाँ पे मिल्क क्या है, एक मिक्सचर की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्रीम को हम मिल्क से कैसे सेपरेट करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि मुझे एक मिक्सचर लेना है, उसके कंपोनेंट सेपरेट करना, तो मिक्सचर का मुझे एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना, सही बात है ना। मिक्सचर का मैं एग्जाम्पल लूंगी तो मुझे समझ पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो उसमें आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम समझेंगे कि मैं क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कलर्ड कंपोनेंट, ओब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम मिल्क, सॉरी फ्रॉम इंक, एक्सट्रीमली सॉरी, फ्रॉम इंक। तो जो भी ब्लू या ब्लैक इंक आप ले लो, और उसके जो मतलब ये इंक को अभी जिससे लिख रहे हैं वो भी इंक है, ये इंक को कलर कौन दे रहा है, दैट कलर वी वुड बी, दैट कलर्ड कंपोनेंट वी वुड बी सेपरेटिंग फ्रॉम इंक। सो दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक कि हाउ। सो क्रोमेटोग्राफी करके एक मेथड है, ठीक है, एक नेचुरल मेथड है, वो सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, तो मिक्सचर है सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो कि अमोनियम क्लोराइड में से मैं सॉल्ट को कैसे सेपरेट करूं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में से मैं सॉल्ट को कैसे सेपरेट करूं, दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दिस हम सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल यानी क्या, ऐसा भी देखेंगे, टू इनमिसिबल लिक्विड्स दोनों का सेपरेशन देखेंगे। तो मिसिबल और इनमिसिबल क्या होता है, मिसिबल यानी विचार सल्यूबल, मिसिबल यानी विचार सल्यूबल, ठीक है। जैसे कि अभी हम दो लिक्विड्स लेते हैं जो दोनों एक दूसरे में सल्यूबल हो जाए, जब मैं उन दोनों को मिक्स करूं तो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, जैसे वाटर एंड मिल्क, उन दोनों को ऐड करूं, उन दोनों को मिक्स करूं तो सल्यूबल हो जाएंगे एक दूसरे में। दैट मींस दीस टू लिक्विड्स आर द एग्जांपल ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। बट इफ आई टॉक अबाउट इनमिसिबल, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, वाटर में तुम जितना भी ऑयल डाल दो और जितना भी घुमा लो, हाँ एट अ सर्टेन टाइम वो मिक्स होगा, बट
अगर मैं कुछ भी ज्यादा प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा के बोल रहे कि तुम लोग मिक्स हो जाओ, अपने आप से मिक्स नहीं हो रहे। अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है, जितना भी ऑयल डाल दूँ वो ऑयल वाटर के ऊपर ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, हमें पता है ना वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा है, तो वाटर नीचे बैठा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है, वो हल्का है, तो वो वाटर के ऊपर ही रहेगा। जितना भी तुम ऊपर से ऑयल डालो वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट होगा, तो वो इनमिसिबल है, सॉल्युबल नहीं हो पा रहे ना, वाटर ऑयल में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा। दैट इज टू इनमिसिबल लिक्विड्स। इन दोनों को, मतलब इन दोनों के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना है, ऐसे अलग अलग हम देखेंगे। ठीक है, फिर जो डाई है, जैसे मैं अगर ब्लैक इंक की बात करती हूँ, ब्लैक इंक, तो ब्लैक इंक की डाई जो है वो क्या सिंगल कलर से बनी हुई है? ब्लैक इंक की जो डाई है वो क्या सिंगल कलर है कि बहुत सारे कलर्स को जोड़ेंगे तो ब्लैक बनता है? जैसे तुमने वो देखा है प्रिज्म, ठीक है, वो प्रिज्म से जब मैं व्हाइट लाइट पास कराती हूँ तो रिफ्रैक्शन से हमें रेनबो वाला कलर मिलता है। मतलब क्या कि मैं रेनबो कलर को मिक्स करती हूँ तो मुझे व्हाइट लाइट मिलेगी, या व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराती हूँ, उसको रिफ्रैक्ट कराती हूँ तो मुझे अलग अलग कलर्स मिलते हैं। तो क्या ऐसा कुछ ब्लैक इंक के साथ भी है कि ब्लैक इंक की जो डाई है वो एक कलर से बनी है कि अलग अलग कलर्स के मिक्सचर से बनी है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, फिर क्या कि हम डिफरेंट गैसेस, ठीक है, एयर में जो डिफरेंट गैसेस है कौन कौन सी है? बेसिक बेसिक तो हमने देखी है, डिफरेंट गैसेस कौन कौन सी? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट वो हो गया, आर्गन होता है, एंड मैनी मोर। ठीक है, बेसिक तो ये तीन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। उसके अलावा दूसरी भी गैसेस हैं, हाई आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, एंडलेस एंडलेस, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो इसमें जो गैसेस हैं, एयर में जो गैसेस हैं, वो एयर क्या है? एक मिक्सचर है। वो मिक्सचर में से मुझे अलग अलग सेपरेट करनी है क्या गैसेस, कैसे करूंगी? इसमें देखेंगे, इस टॉपिक में क्या है मेथड का नाम, कैसे करेंगे वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर मतलब मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से सेपरेट करना, तो ये सब देखेंगे तो हमें समझ जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें जिसमें एक और एग्जांपल है जिसमें हाउ टू सेपरेट प्योर CuSO4, 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 नाम बोलो नाम बोलो। Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट को मैं इम्प्योर सैंपल में से कैसे सेपरेट करूंगी? मान लो कोई भी मैंने इम्प्योर सैंपल लिया, वो इम्प्योर सैंपल में से मैं कॉपर सल्फेट को कैसे ऑब्टेन करूंगी? ठीक है, प्योर CuSO4 को मैं कैसे ऑब्टेन करूंगी इम्प्योर सैंपल से, है ना, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं कि मुझे अगर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है उसके मिक्सचर में से, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करना है, तो मैं कुछ टेक्निक्स, कुछ डिफरेंट मेथड्स यूज करूंगी। ठीक है, तो अलग अलग मिक्सचर्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स लगेंगी। ठीक है, तो जितने टेक्निक्स पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा। समझ आया यहां तक? अब इसके आगे हम कंटेंट्स कंटिन्यू करते हैं। 7 कंटेंट्स देखे थे, आगे का मैंने तुम्हें बताया था, मिक्सचर देखेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट, ठीक है, फिर सोल्यूशन में हम कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, वो तो ठीक है। अभी उसके बाद हम देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ, हम देख नहीं रहे, मतलब मैं बता रही हूँ ये टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब ये एग्जाम्पल्स ही हैं जिससे हम समझेंगे कि डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स जो मैं यूज करूंगी। ठीक है, तो टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, तो अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग टेक्निक्स होंगी, वो देखेंगे। अब जो है आगे लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन वो लास्ट में क्यों रखा, स्टार्टिंग में क्यों नहीं रखा? मतलब यहां तक के जो था ना ये सब नया है, इधर तक जो 7 टॉपिक्स मैंने इस चैप्टर के बताए ना वो सारा नया है। ठीक है, वो पहले आपने बहुत थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ा होगा, बाकी सब कुछ नया आएगा, लेकिन अब जो 2 टॉपिक बताऊंगी वो ऑलरेडी आप
अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो, तो आपका 8th टॉपिक होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अरे बाप रे मैम, कितना हार्ड टॉपिक नहीं है, है ना? तुम लोग कैसा बोलोगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में क्या है? अबे मैम पूछेंगे मैं बता दूंगा या बता दूंगी। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्लास 6th में आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया है इस पे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का पूरा एक चैप्टर आया था क्लास 6th में, याद आ रहा है? बस वही है, उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो देखा था। ठीक है, बस वही थोड़ा सा उसका जिस्ट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के हम टाइप देखेंगे और वो टाइप्स पता है क्या है? पता तो होना चाहिए, चलो फिर भी बता देती हूँ। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। अरे मैंने ये तो पढ़ा है, ये तो सुना सुना सा लग रहा है। अरे सुनना होना ही चाहिए, है ना? क्यों? क्लास 7th में पढ़ के आए पूरा चैप्टर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसलिए ये दो टॉपिक लास्ट में रखें। ये क्लास 6th में पढ़ा है, ये क्लास 7th में पढ़ा है। बस इसका थोड़ा सा समरी लेकर हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। आज फिनिश नहीं करना ये दोनों ने, आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। कहते ना इंट्रोडक्शन में क्या बताने वाली हूँ, मैटर का फ्लो चार्ट, है ना? मैटर का फ्लो चार्ट इन द सेंस कि मैटर को कैसे इन्होंने स्टडी के लिए फर्दर डिवाइड किया। ठीक है, सो वो डिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैटर, ये मैटर को मैंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। किसमें? प्योर सब्सटेंसेस, और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो सिंगल, मतलब दीज सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल पार्टिकल। इसको थोड़ा और समझे क्या? इसको और कैसे समझ सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स जो है, जो सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट्स है ना, है ये ध्यान देना, है सिमिलर। तो क्या सिमिलर है? केमिकल नेचर। केमिकल नेचर जो है ना वो सिमिलर होना चाहिए किसका? कंस्टिट्यूएंट्स का। किसके कंस्टिट्यूएंट्स का? प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट्स है ना, ठीक है, उनका केमिकल नेचर सिमिलर होना चाहिए एक दूसरे से, सिंगल पार्टिकल से बने होने चाहिए, उसको मैं बोलूंगी प्योर सब्सटेंस। अच्छा तो दूसरा क्या हो गया? ऑब्वियसली अनप्योर मत बोलना, इंग्लिश ग्रामर सीख क्या हो, और उसके साथ इंग्लिश ग्रामर को ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड किया, अभी देख के ना टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस क्या देखा उसमें, कि प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या होते हैं एलिमेंट्स? चलो यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ते हैं, बाद में लास्ट में फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर थोड़ा सा ब्रीफ लेना हो एलिमेंट्स के लिए तो क्या लिखेंगे कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो जब मैं एलिमेंट की बात करती हूँ, वो ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम का बना हो। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल यानी कि एटम से बना हुआ है, और वो हर एक एटम, मान लो अगर मैं हाइड्रोजन लेती हूँ तो हर हाइड्रोजन का केमिकल नेचर क्या रहेगा? सिमिलर। सिमिलरली जब अगर मैं कंपाउंड की बात करती हूँ तो वो ऐसा प्योर सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ Only one kind of molecule,
यहाँ पे क्या था? वन काइंड ऑफ एटम, यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर जो बना वो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन मॉलिक्यूल है इसलिए कंपाउंड। जब मैं एटम की बात करूंगी तो वो हो जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है? इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे, ठीक है? चल, फिर एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। क्या लगता है किसमें? ये जो तीन टर्म अभी मैं लिखने जा रही हूँ वो क्लास एट में पढ़ा है। देखो, जो भी तुम क्लास सिक्स सेवेंथ एट में पढ़ के आए वही है ना? ये प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स तुमने कहाँ पढ़ा? सेवेंथ में। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सिक्स्थ में। अभी जो लिखने जाऊंगी एट्थ में, चैप्टर ही था पूरा। तो ये एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड है इनटू मेटल्स पढ़ा है, नॉन मेटल्स। तो तीसरा क्या होगा? इन दोनों की प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है एंड कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है। बताओ क्या होगा वो? मेटलॉइड्स, परफेक्ट मेटलॉइड्स, ठीक है? और अगर मैं कंपाउंड की बात करती हूँ तो कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। ये क्लास सेवेंथ में पढ़ा है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा है ना ये सब। एसिड क्या होता है? विच हैव एबिलिटी टू गिव एच प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में एच प्लस आयन देने की कैपेबिलिटी एसिड के पास है, बेस के पास ओ एच माइनस आयन देने की। और जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाती हूँ तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ये सब पढ़ा हुआ है। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या है? सो इट इज अ मटेरियल। मिक्सचर वो एक ऐसा मटेरियल है विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। मटेरियल जो किससे बना है? डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस से बना है ये मिक्सचर, ठीक है? ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस जो जिनके मिक्सचर से बना है, दे विल नॉट रिएक्ट केमिकली विदाउट रिएक्टिंग केमिकली। मतलब जब मैं वो कंपोनेंट्स या वो सब्सटेंसेस को जब मैं कंबाइन कर रही थी ताकि मिक्सचर बने, तो मैं उनको केमिकली कंबाइन नहीं कर रही थी। सो विदाउट रिएक्टिंग केमिकली, ये सब्सटेंस एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे नहीं। समझ आया? तो ये हो गया मिक्सचर। नाउ दिस मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। दिस मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। तो दूसरा क्या होगा? हेटेरोजेनस मिक्सचर। अभी हमने डिस्कस किया ना ये क्या होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो व्हाट इज मिक्सचर? वो जो मैंने टॉपिक बताया था, तो मिक्सचर क्या है? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस से बना है, ठीक है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे, ऑब्वियसली दे आर नॉट रिएक्टिंग केमिकली, ओके? बट कंबाइन तो कर रहे हैं। और वो जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, है ना, जब कंबाइन कर रहे हैं तो मिक्सचर बन रहा है। वो मिक्सचर डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, दो तरह के अभी हम टाइप्स देखेंगे, दैट इज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर चाहिए तो, ठीक है? वीडियो पॉज करके आप देख लेना मिक्सचर का, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर में लिखो, हेडिंग डालो होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है? साथ साथ में लिखना बेटर रहता है, ठीक है? तो तुम वीडियो देखते देखते तुम्हारे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है? इतना धीरे जा रही हूँ तो साथ साथ में प्रिपेयर
होना जाए होता जाए, है ना। तो अब देखो एक हमारा हो गया होमोजीनस। होमोजीनस क्या लगता है, होमो का मतलब क्या होता है? देखो होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो जब मैं होमोजीनस की बात करती हूं तो होमो मतलब सेम, सेम। तो ये मिक्सचर में जो कंपोजिशन होगा ना वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। मतलब कोई भी पार्ट आप मिक्सचर का लो उसमें सेम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, यानी उनका जो यूनिफॉर्मली मिले हुए होंगे। यहाँ पे कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। ऐसे मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन होमोजीनस में होगा यूनिफॉर्म, हेटरोजीनस में होगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स विजिबिलिटी, यानी कंपोनेंट्स बोलो या कंस्टिट्यूएंट्स बोलो, तो कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन इजीली। यानी इस मिक्सचर में ये मिक्सचर कौन सी चीजों से बना है वो देखने को नहीं मिलता। जैसे पाव भाजी, पाव भाजी में पता चलता है कौन कौन सी सब्जियां उसमें डाली हुई होती है, नहीं। पाव भाजी मतलब पाव भाजी, ठीक है। उसमें कौन सा, अगर आलू दूधी ये सब थोड़ी ना बॉटल गॉर्ड, है ना, आलू पोटैटो, ठीक है, बैंगन ब्रिंजल, तो ये सब जो भी चीजें हैं ये सब इसमें डलती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यानी क्या, कंपोनेंट्स प्रेजेंट है लेकिन हमें विजिबल नहीं है, वो हो जाएगा होमोजीनस। हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस में क्या होगा, इसका अपोजिट इजीली सीन, क्या, तो कंस्टिट्यूएंट्स। तो कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सीन इजीली इन केस ऑफ, मतलब वो मिक्सचर में ही आपको कंस्टिट्यूएंट दिखेंगे, अच्छा ये मिक्सचर में ये कंस्टिट्यूएंट है, ये मिक्सचर में ये कंस्टिट्यूएंट है। एग्जांपल देख के फिर से मैं ये पॉइंट पे आती हूँ। ठीक है, थर्ड क्या है कि कैन नॉट, ये जो कंस्टिट्यूएंट्स है ना कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड। अच्छा देखो ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन तुम मुझे बताओ कि मैं किसको आसानी से सेपरेट कर सकती हूँ, तुम मुझे वो बताओ। कि मैं हेटेरोजीनस मिक्सचर को सेपरेट कर सकती हूँ आसानी से कि होमोजीनस मिक्सचर को, मतलब वो जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं होमोजीनस मिक्सचर के उनको मैं सेपरेट कर सकती हूँ आसानी से, वो मुझे बताओ। सेपरेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो देखो ना यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, हमें कंपोनेंट्स ही आसानी से नहीं दिख रहे हैं, तो तुम सोचो कि कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, इनको हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते हैं, और इनको सेपरेशन जो है इजीली इनका हो सकता है, इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स हैं। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो तुमको कंपोनेंट्स ही अलग अलग दिख रहे, तो आसानी से बाय द फिजिकल प्रोसेस यू कैन सेपरेट, बट हियर यू कैन नॉट। ओके, सिमिलरली फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल, अभी एग्जांपल देख के फिर से ये पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हम होमोजीनस में देख सकते हैं, शुगर प्लस वाटर, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या एग्जांपल हो सकता है, वो शरबत तुम्हारा। ठीक है, टू मिसिबल लिक्विड्स, मैंने कहा जो आसानी से घुल जाए, तो पानी ले लो, शरबत ले लो, पानी ले लो, लेमन जूस ले लो। ठीक है, तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनस। अब तो देखो ये तो मेरा लिक्विड सॉलिड हो गया, मैंने लिक्विड लिक्विड का भी एग्जांपल दे दिया, क्या दे दिया, लाइम जूस। ठीक है, यानी लेमन का जो जूस है वो विथ विथ वाटर। ओके, इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तुम ले लो सल्फर, सल्फर विथ कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब तुम सल्फर लेते हो, दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ हो
होमोजीनियस मिक्सचर, वाटर एंड अल्कोहल दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट, तुमने ये टर्म पहले कभी सुना? यस सुना. क्या? अलॉयस. अलॉयस सुना है ना? अलॉयस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स. मेटल्स, दो तीन मेटल को मैं जब साथ में जोड़ती हूँ तो अलॉय बनता है. एक अलॉय तुमने पढ़ा है ब्रास. ब्रास कौन से दो मेटल से बनता है? कॉपर एंड जिंक. क्या कंपोजिशन याद है? 70% and 30% का रेशियो है. ठीक है, 70% कॉपर एंड 30% जिंक. 70% कॉपर, 30% जिंक. तो इस ये कंपोजिशन हो गया तुम्हारा ब्रास का. और ब्रास क्या है? इज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय. ये दो क्या है? मेटल्स है. मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अलॉय. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देखते हैं. इसके हेटरोजीनियस मिक्सचर के क्या लगता है? सॉल्ट एंड सैंड. ठीक है, तो अभी सॉल्ट एंड सैंड को तुम इमेजिन करो, मिक्स करते हो और जब तुम इसका मिक्सचर देखते हो तब भी तुमको पता लगेगा ना, हाँ, कि इस मिक्सचर के अंदर सैंड है, इस मिक्सचर के अंदर सॉल्ट है. तो सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, फोर मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ. ठीक है, तो सैंड प्लस सॉल्ट, ये एक एग्जांपल हो गया. दूसरा क्या ले सकते हो? शुगर एंड सॉल्ट ले लें. ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट है ना. अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखो, मैं है ना, मैं दो ग्लास लेती हूँ, दो ग्लास में मैं पानी डालती हूँ. मैंने दो ग्लास लिए, दो ग्लास में मैंने पानी डाला. ठीक है, और जब एक ग्लास में मैंने डाला शुगर, दूसरे ग्लास में मैंने डाला सॉल्ट, शुगर सॉल्ट दोनों को मिला दिया. और मिलाने के बाद, अच्छे से डिजोल्व करने के बाद, अब जब मैं तुम्हारे पास लेके आती हूँ, तुम्हें नहीं पता कौन से ग्लास में मैंने शुगर डाला, कौन से ग्लास में सॉल्ट डाला. अच्छे से दोनों को डिजोल्व करके फिर तुम्हारे सामने लाके रखती हूँ. क्या बोला मैंने? मैंने दो ग्लास लिए, दोनों ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला, एक ग्लास में मैंने एक चम्मच सॉल्ट डाला, एक ग्लास में मैंने एक चम्मच शुगर डाली, दोनों को डिजोल्व कर दिया. इतना अच्छे से किया कि अब तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा मीठा पानी है, कौन सा खारा पानी है, विच वन इज सॉल्टी, विच वन इज शुगरी, स्वीट, वो तुम्हें नहीं पता. ठीक है, तुम्हें टेस्ट करे बिना देख के बताना है कि कौन सा सॉल्टी वाटर है, कौन सा स्वीट वाटर है. क्या तुम बता पाओगे? नहीं. क्यों? बिकॉज बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. और होमोजेनस मिक्सचर है मतलब क्या? कि तुम उनके कंस्टिट्यूएंट्स देख नहीं सकते ना. तुम्हें तो सिर्फ वाटर ही दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर शुगर भी मिली हुई है, उसके अंदर सॉल्ट भी मिला हुआ है, लेकिन हमें उसके कंस्टिट्यूएंट्स नहीं दिख रहे. जबकि इधर तुम एग्जाम्पल में देखो, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट. ठीक है, जैसे अभी ब्लड, मैम ब्लड को कैसे हम हेटरोजेनस मिक्सचर में डालेंगे? डाल सकते हैं ना भाई. कंपोज, देखो, जिसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ब्लड को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो तुम आगे पढ़ोगे ब्लड को कैसे सेपरेट करते हैं हायर स्टैंडर्ड में. फिर वुड, वुड का कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता सारे ओवरऑल वुड में. कभी तुम्हें वाटर और ऑक्सीजन कोई वुड में ज्यादा दिखेगा, कोई वुड में कम दिखेगा. अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन वुड डिफर इन डिफरेंट वुड्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वुड. कहां से वुड को लाया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा. फिर वाटर एंड ऑयल, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजिनस मिक्सचर. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मैटर पढ़ा. मैटर क्या होता है उसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखा, मैटर के डिवीजन देखा कि किस तरह से कैसे हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस. फिर प्योर सब्सटेंस को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. है ना, एलिमेंट्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कंपाउंड्स ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. फिर हमने एलिमेंट्स को फर्दर किस में डिवाइड किया? बोलो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि तुमने पहले ही क्लास 8 में पढ़ते हुए आए हो. अब फिर कंपाउंड्स को हमने फर्दर किस में डिवाइड किया? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, फिर हम आ गए इम्प्योर सब्सटेंसेस में. इम्प्योर सब्सटेंसेस मैंने किसके बारे में बात की थी? मिक्सचर्स के बारे में. मिक्सचर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोजेनस मिक्सचर, हेटरोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जब तुम शुगर वाटर पीते हो तो क्या, एक घुट लिया तुम्हें मीठा लगा, दूसरा घुट लिया तो तुम्हें कड़वा लगा,
तीसरा घुट लिया तो तुमने तुम्हें तीखा लगा, ऐसा कभी हुआ है? हाँ? कि जितनी बार तुम जितने सिप लोगे उस शुगर वाटर के, हर बार तुम्हें स्वीट और इक्वल अमाउंट ऑफ स्वीटनेस फील होगी, है ना? मतलब क्या? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन हेटरोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, जैसे अभी हमने वुड का एग्जांपल लिया था। इसमें कंपोनेंट्स तुम्हें अच्छे से दिखेंगे नहीं, इजीली ट्रैक नहीं होंगे कि अच्छा इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हाँ, कुछ दिखेंगे, सारे नहीं दिखेंगे, लेकिन हेटरोजीनस में आसानी से तुम देख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं सेपरेट करने की बात करूं कंस्टिट्यूएंट्स इस मिक्सचर की, होमोजीनस की, थोड़ी सी तकलीफ होगी। फिजिकल प्रोसेस से मैं सेपरेट नहीं कर सकती, मतलब तुम कर सकते हो लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी होगी एज कंपैरेटिवली टू हेटरोजीनस। हेटरोजीनस में तुम आसानी से कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर पाओगे, बट होमोजीनस में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो कुछ एग्जांपल्स के देख के हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। अब बाकी का दैट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।